अगली खबर भी दिल्ली से ही है। यहाँ पर एक और बाबा को गिरफ्तार किया गया है। बाबा पर एक महिला से बलात्कार का आरोप है। पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी के असालतपुर गांव में किराए के घर में आद्यम परम योगपीठ चलाने वाले हरि नारायण नाम के बाबा पर बलात्कार का सनसनीखेज आरोप लगा है। बाबा पर आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि उसी की स्कूल की एक टीचर उसे बाबा के पास लेकर गई थी और फिर बाबा ने शरीर शुद्धि के बहाने उसके साथ गलत काम किया। बताया जा रहा है कि बाबा हरि नारायण पहले जनकपुरी मकान में रहता था, लेकिन कुछ समय पहले अपने परिवार के साथ में फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी शिक्षिका पर भी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने परम आद्य योगपीठ चलाने वाले हरि नारायण बाबा को गिरफ्तार किया है। बाबा पर आरोप है बलात्कार का। दिल्ली के जनकपुरी थाने में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। एक महिला है जो कि फरीदाबाद में स्कूल में पेशे से टीचर है और उसी स्कूल में उसकी एक सहयोगी है और उसी सहयोगी ने इस पीड़ित महिला को ये कहा कि अगर आप जो है मन और शरीर की शुद्धि चाहते हैं तो दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक परम आद्य योगपीठ है जिसे हरि नारायण बाबा चलाते हैं और वो जो है आपके मन और शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। इन्हीं बातों में भला फुसला करके जो सहयोगी है वो उस पीड़ित महिला को दिल्ली के जनकपुरी में बाबा के आश्रम पर लेके जाती है और महिला का ये कहना है, ये आरोप है कि हरि नारायण बाबा ने और इन्हीं दावों के साथ में उस महिला के साथ बलात्कार किया और फिर जो पीड़ित महिला है उसने दिल्ली महिला आयोग को इस बारे में शिकायत दी और दिल्ली महिला आयोग ने जनकपुरी थाने को जो शिकायत जो थी उसे यहां रेफर कर दिया और पुलिस ने उस पीड़ित महिला के बयान के आधार पर 376 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें हरि नारायण बाबा और महिला को लाने वाली उसकी सहयोगी और जो बाबा की सचिव है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।